मुंबई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा से रेप के बाद मर्डर, फिर पटरी पर लेटकर आरोपी ने जान दे दी है। चर्च गेट के हॉस्टल का ये मामला है। साउथ मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल में 18 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। उसका शव हॉस्टल के कमरे में ही मिला। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। उसका शव चरनी रोड स्टेशन के पास पटरी पर मिला है। मृतक छात्रा मरीन ड्राइव इलाके के सावित्री बाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। उसी हॉस्टल में काम कर रहे ओम प्रकाश कन्नौजिया, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, उसने छात्र के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कन्नौजिया यहाँ 15 साल से काम कर रहा था। पुलिस को इस मामले में तब शक हुआ जब मृतका के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और आरोपी सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल से गायब। मृतक छात्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने कहा कि हॉस्टल की साथी ने आखिरी बार उसे सोमवार की रात 11:30 बजे देखा था। उसने लड़की को अपने कमरे में आने के लिए कहा क्योंकि वो चौथी मंजिल पर अकेली थी, लेकिन उसने कहा कि वो अपने कमरे में ही रहेगी। इस घटना से फिलहाल मुंबई में काफी ज्यादा सनसनी है। 6 जून की शाम की एक घटना है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। इस घटना के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाई। इसमें एडिशनल कमिश्नर साउथ रीजन डॉक्टर अभिनव देशमुख, मरीन ड्राइव के सीनियर इंस्पेक्टर सहित कई लोग हैं। इसमें डिटेक्शन टीम PSI राकेश शिंदे, कांस्टेबल लोधे ठाकुर सांगले और कोराटे शामिल है। GT अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम होने वाला है। मरीन ड्राइव पोलीस स्टेशन या ठिकाणी साधारण 5 वाजेच्या सुमारास संध्याकाळी एक खबर आम्हाला मिळाली होती, ज्यामध्ये सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय या ठिकाणी एक बॉडी असल्याची माहिती होती। त्या अनुषंगाने तात्काळ पोलीस घटनास्थळी पोहोचले होते। यामध्ये आम्हाला या हॉस्टेलच्या 4th मजल्यावर एका रूममध्ये एक साधारण 18 वर्ष 2 महिने इतक्या वयाच्या एका मुलीची या ठिकाणी राहणाऱ्या बॉडी आढळून आलेली आहे। या रूमचं लॉक जे आहे ते बाहेरून बंद असल्याचं त्या ठिकाणी दिसून आलं होतं। या अनुषंगाने एकंदरीत परिस्थिती पाहता फॉरेन्सिकची टीम, डॉक्टर्स, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तसेच सर्व पोलीस अधिकारी बोलवण्यात आले होते। एकंदरीत या घटनेमध्ये मर्डरचा 302 IPC अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया मरिंडल पोलीस स्टेशन या ठिकाणी चालू आहे। घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे। सदर मुलगी ही गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांद्रा या ठिकाणी शिकायला दुसऱ्या सेकंड इयरला होती आणि तसेच या घटनेमधील जो संशयित आरोपी आहे त्याची पण आम्हाला माहिती प्राप्त झालेली आहे। त्या अनुषंगाने अधिक तपास चालू आहे। धन्यवाद।